गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे। और मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं ऋषभ भाई मीतू। और हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं लेती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। वैसे तो आज मॉर्निंग ड्रिंक में लेमन वाटर है और शायद हर्ब वाटर है, लेकिन आज मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सिंपल गुनगुना पानी लेने वाली हूँ और जिसमें सिर्फ मैं नींबू और हनी लूँगी। और आज के हमारे ब्रेकफास्ट में है ओट्स डोसा, साथ में एक चाय और वे प्रोटीन पानी के साथ में, और है एक फ्रूट। तो अभी हम बनाते हैं पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रख दी है कि ब्रेकफास्ट में हमें ओट्स को भिगो के रखना था आधे घंटे, तो मैंने आधे घंटे भिगो के रख दिया है। और ये मैंने 3 डोसे का बैटर रखा है जबकि हमें एक डोसा बनाना है, और 3 डोसे का इसलिए रखा है कि आज शाम को शायद मेरी एक फ्रेंड आए तो मुझे दोबारा से तैयारी ना करनी पड़े, तो इसलिए मैं बैटर पहले से बना के रख देती हूँ। और मुझे यहाँ पे प्लेन मतलब वही लेना है, सिंपल डोसा, मतलब पेपर डोसा जो होता है, इसके साथ में कोई स्टफिंग नहीं है। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आपके पास अगर वे प्रोटीन नहीं हो, जैसे मैं तो वे प्रोटीन ले लूँगी, अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है तो आप क्या करेंगे, वे प्रोटीन की जगह इसमें 30 ग्राम पनीर की स्टफिंग ले लेंगे या फिर टोफू की स्टफिंग ले लेंगे, तो आपका डोसा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम ले लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक और फिर मिलते हैं आपसे डोसा बनाते हैं। तो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। हमारे ब्रेकफास्ट में है एक ओट्स का डोसा, पेपर डोसा है, इसके साथ कोई भी स्टफिंग नहीं बताई इन्होंने। साथ में मैंने ली है ये ग्रीन चटनी और साथ में ली है चाय, और हमारा बचा है प्रोटीन शेक एंड एक फ्रूट, तो वो हम मिड मॉर्निंग में ले लेंगे, हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि मिड मॉर्निंग में अगर भूख लगेगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अभी हम ये लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मील पे। और जल्दी से मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे तैयार भी होना है स्कूल के लिए और टाइम से पहुँचना भी है। अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आधा किया था क्योंकि इनके उसमें फ्रूट्स भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अपना प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं क्योंकि मुझे चॉकलेट पाउडर बहुत मीठा लग रहा है, तो वही हम करेंगे। एक स्कूप तो मैं ये लूँगी और एक स्कूप से थोड़ा सा कम ये ले लूँगी रॉ वाला, उसके बाद बाकी का थोड़ा सा मैं ये मिला लूँगी जिससे कि इसका टेस्ट चेंज हो जाए और मुझे मीठा भी ना लगे। तो मैंने इसमें एक छोटा सा स्कूप डाल रखा है, तो बस एक स्कूप ये डालूंगी, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ टेस्ट के लिए क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और इतने दिन बाद मैं ट्राई कर रही हूँ। और हम इसमें अपना पानी मिला के अच्छे से ब्लेंड करके अपना प्रोटीन पाउडर ले लेंगे। जिन लोगों के पास प्रोटीन पाउडर नहीं है वो लोग टेंशन ना लें, तो उसके जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो जैसे कि आप स्प्राउट ले सकते हैं, स्प्राउट चाट ले सकते हैं और मूंग चाट ले सकते हैं इस तरीके से, या टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, तो आपका जो प्रोटीन है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं अभी लेती हूँ ये अपना प्रोटीन पाउडर और उसके बाद मैं लेती हूँ अपना ऑरेंज, और उसके बाद जब भी हम नेक्स्ट मील लेंगे लंच में, और लंच में क्या क्या लेंगे वो मैं आपको दिखा दूँगी। बाय बाय। हमारे लंच का टाइम है और 1:30 बज रहा है, और आज हमारे लंच में वैसे तो था 2 रोटी 25-25 ग्राम की, साथ में था मूंग जो साउथ मूंग होती है उसकी करी और किसी की भी सब्जी और मतलब सैलेड।
बट मेरे को आज बहुत तेज क्रेविंग हो रही थी राइस खाने की। तो पहले सबसे पहले अगर ऐसे कभी क्रेविंग हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो कैलरी देखें। जैसे रोटी की जगह मुझे राइस खाने हैं तो रोटी में इन्होंने दिया 160 कैलरी, ठीक है, दो रोटी में, जो इनके हिसाब से 25-25 ग्राम की है। तो आप नेट पर सर्च करके या फिर हेल्दी फाई मी में डाल के आप देखेंगे कि 160 कैलरी मतलब कितने राइस में होती है। आप कुक्ड राइस डालेंगे तो वहाँ पे कैलरी भी आ रहा होगा, कितने ग्राम, जैसे ग्राम बढ़ाते जाएंगे कैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो आप उसी के अंदर में, तो ये मैंने 160 कैलरी का लिया है, तो ये 150 जो कुक्ड राइस है उसमें है, तो मैंने लगभग 150 कुक्ड राइस ले लिए क्योंकि क्रेविंग बहुत थी। और मूंग दाल की सब्जी मैंने नहीं बनाई है, मूंग की, साबुत मूंग की दाल की सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि लौकी और चने की दाल रखी हुई थी और तो इससे मुझे ख़त्म करना था, परसों की है और इसको मैं फेंकना नहीं चाहती थी। साथ में मैंने मिक्स वेज भी बनाया था, इसको भी मुझे ख़त्म करना था, तो सब्जी हमने ले ली है। साथ में मैंने लिया है खीरा और सिरके वाला प्याज, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, जैसे कि हमें रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है। और ये बहुत हेल्दी भी, हमने यहाँ पे सिंथेटिक सिरके का यूज़ नहीं किया है, हमने एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ किया है। तो जैसे हमने बनाया था वैसे ही बना लिया और एक दिन में इतना अच्छा कलर आ गया। तो आप भी ऐसे हमेशा बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। साथ में मैंने लिए दही वाली चटनी और आज का मेरा लंच यही होने वाला है। और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी राइस खाने की और इनकी रोटी वाले ऑप्शन में राइस का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप 10 या 15 दिन में एक बार इस तरीके से खा सकते हैं। वैसे इनके ऑप्शन में है, जैसे कभी कभी शाम को इन्होंने वेजिटेबल खिचड़ी दी हुई है तो वहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन अभी इस समय की उसमें उन्होंने कुछ कुछ भी नहीं दिया था तो मैंने ऐसे करके ले लिया है। तो अभी मैं यही लूँगी और उसके बाद जो भी नेक्स्ट मील होगी मैं आपको बताऊँगी। और अभी मेरे आज मेरे आईज़ में दर्द है, इसलिए जो कल वाला वीडियो था वो अभी तक मैंने एडिट करना स्टार्ट नहीं किया है, और इस वाले वीडियो के साथ में ही वो वाला वीडियो मैं एडिट करके दूँगी। और आज मैं थोड़ा अपने आईज़ को रिलैक्स करूँगी और रात थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए। तो गाइस आप लोग भी इस तरीके से कभी अगर राइस खाने का मन हो तो आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कैलरी बढ़ जाएगी, आप उतनी कैलरी का क्वांटिटी में ले लीजिए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से हम अपनी ये कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हमारा चाय बन गया है इवनिंग का, आज के हमारे इवनिंग में था एक चाय और 50 ml दूध की ही बनानी है, और साथ में वह है रोस्टेड चने और 100 ग्राम टोफू सॉटे करके। तो सॉटे कर लेना है हल्का सा ग्रीस करके तवे को, और उसके ऊपर से आप नींबू डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है नींबू, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा केड़ा पैरी पैरी मसाला, और बहुत थोड़ा सा ही डाला है बस टेस्ट के लिए। तो ये हमारा पैरी पैरी टोफू बनके तैयार है। और रोस्टेड चने खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि भूख नहीं लगी है, लेकिन चाय पीने का बहुत ज़बरदस्त मन कर रहा है। तो मैंने बनाया गया एक कप चाय और साथ में सॉटेड टोफू। तो बस अब हम लेंगे अपने चाय टाइम को यहीं पर इंजॉय करेंगे, मैं किचन में यहीं पर बैठ जाऊँगी और इस स्लिप पे मैं बैठ जाती हूँ, बाहर देखते देखते चाय पी लूँगी। तो टेस्ट करके बता देती हूँ कैसा लग रहा है, क्योंकि उस दिन वाला तो अच्छा था, चिली जो टिक्के की तरह बनाया था। पहले पहले मसाला डाल के बहुत टेस्टी हो गया, आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए इस तरीके से पहले पहले मसाला आता है, तो आप अपने किसी भी जो खाने को बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो अभी मैं यही ले रही हूँ और ये खाने के बाद मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट मील पे और डिनर के टाइम पे, और फिर देखते हैं कि हमारे डिनर में क्या है आज। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.
हमारा डिनर बन गया है और मैंने बनाया दलिया वेजिटेबल पुलाव। कितना कितना ग्राम लिया है वो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड में करके आपको दे ही दूंगी। साथ में लिया है मैंने सैलेड और दही, और इसके साथ में मूंग और कैरेट सूप भी था। लेकिन जब भूख नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, अगर भूख लगती है तो आप वो भी साथ में ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये बनाने में खाने में बहुत अच्छा है। मैंने ये जौकल दलिया लिया है, अगर आपके पास नॉर्मल दलिया हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल दलिया बताया है, नॉर्मल दलिया मेरे पास नहीं था। और इसमें मैंने ढेर सारी ग्रीन वेजीज डाली है, ग्रीन वेजीज मैंने इसमें डाला है, गोभी डाली है, बीन्स डाली है, मटर डाली है, गाजर डाली है, और भी आपके पास जो भी अच्छी सब्जियाँ हो डाल सकते हैं। तो यही होने वाला है। और गाइज आपको मेरे वीडियोज कैसे लग रहे हैं और ये सीरीज कौन कौन ट्राई कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, जो भी कर रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता दें, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आपको इससे हेल्प हो रही है। और उससे पूछना चाहती हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए बिस्किट वगैरह और बना के दिखाऊं कि नहीं दिखाऊंगा, और भी तरीके के आप बिस्किट देखना चाहते हैं जो घर पर बना सकते हैं, घर पर नेक्स्ट टाइम में क्या क्या ले सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज करते रहें नीचे तो मैं बताती रहूँगी। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से ऑल का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर दें तो मेरी जितनी भी वीडियो डालूंगी ना आपको मिलती रहेंगी। और अभी तो मैं ये लूँगी डिनर और उसके बाद जाऊँगी मैं अपनी वॉक पे। ये मैं अब पहले अपना डिनर कम्प्लीट करती हूँ फिर मैं वॉक पे जाती हूँ, और अब हम मिलेंगे कल आपसे नए दिन के साथ में, नई जर्नी के साथ में। गाइस मैंने डे 16 को डिटॉक्स की थी, यानी संडे पड़ रहा था तो मैंने कई हफ्तों से डिटॉक्स नहीं करी थी, तो मैंने सोचा एक दिन की मैं डिटॉक्स कर लेती हूँ। तो डे 16 को मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाया है, इसलिए मैंने उसको कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई भी सूप या कुछ और नहीं लिया था, सिर्फ फ्रूट्स पे रही थी मैं। तो डे 16 मेरा डिटॉक्स डे था। लेकिन आप सब लोगों के लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दिया है, अगर आप डिटॉक्स नहीं करना चाहते तो मत करिए, आप डे 16 का पूरा डाइट जैसे उन्होंने बताया वैसा भी कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में रिकॉर्डर डे 16 का भी लगा दूँगी, तो प्लीज़ आप लास्ट तक विजिट करिए और पूरा वीडियोज़ को देखिए। और मैंने डे 15 का भी लगा दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी उस डाइट को कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो गाइज अब हम मिलेंगे कल नए दिन की शुरुआत के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर।